चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ। इसके अंदर सबसे पहली रेशियो जो आती है ना, वो आती है आपकी जीपी रेशियो। जीपी रेशियो एकदम सबसे सिंपल रेशियो है। आपको क्या निकालना है ना, जीपी रेशियो निकालना है। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट के साथ निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन में सेल्स इंटू में 100। जीपी का फॉर्मूला, जीपी रेशियो कैसे निकलेगी? जीपी अपॉन में सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में 100। तो पहली रेशियो है आपकी जीपी रेशियो। फॉर्मूला जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये जितनी भी रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आंसर हमेशा किसमें आएगा? परसेंटेज के अंदर आएगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो आंसर इज ऑलवेज इन परसेंटेज। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स कौन सी आ जाएगी? हमारी नेट सेल्स आएगी। नेट सेल्स का मतलब क्या है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये क्या हो जाती है? आपकी नेट सेल्स हो जाती है। अब ध्यान से देखो, जीपी तो हमें निकालना आता ही है ना। अगर मैं सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दूंगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दी, तो क्या आ गया? जीपी आ गया। और बेटा सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता था? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मतलब पहले इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स एंड द लूज टूल्स। क्लोजिंग स्टॉक में क्या नहीं आते? स्पेयर पार्ट्स लूज टूल्स नहीं आता। ऐसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स नहीं आता। या फिर आप क्या बोल सकते हो, सीओजीएस को कैसे निकालोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में से माइनस कर दोगे प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो आपका क्या आ जाएगा? सीओजीएस आ जाएगा, है ना। और सीओजीएस का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपने मटेरियल जो कंज्यूम करा, प्लस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरीज का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फॉर्मूले में लिखते ही हो, ठीक है। और क्या करना है आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने प्लस कर दिए, तो यहाँ पर एक चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ, प्लस आपने क्या कर दी? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और चेंज इन इन्वेंटरीज का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आ ही गया। मतलब कम यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब रेशो में क्या था कि ये जो जीपी रेशो है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों निकाल रहे हैं हम लोग जीपी रेशो? देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग जीपी रेशो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी कंपनी की। क्या पता चलती है इससे? एफिशिएंसी विद प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशंस एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन। भाई सीधी सी बात है ना, जीपी क्या बता रही हो? आपने सेल्स करी, लेट सपोज 10 लाख की आपने सेल्स करी, उस सेल्स पे आपने 2 लाख रुपए कमाया, तो कितना परसेंटेज आपने अर्न करा ना? 20% आपने अर्न करा। तो दिस इज जीपी ना। जीपी में आप क्या निकाल रहे हो कि जो मैंने टोटल सेल्स जो करी है उसमें से मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है? भाई प्रॉफिट मार्जिन अगर मुझे 2 लाख पता चल गया कि ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, तो बाकी का बचा हुआ 1 लाख क्या है? मेरा कॉस्ट है, सीओजीएस, है ना। बाकी का मेरा क्या है? सीओजीएस, वो क्या है? मेरी कॉस्ट। अब इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 88, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल्स आपको गिवन है। क्या गिवन है ना? आपको सेल्स गिवन है, और जीपी कितना गिवन है? 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट जीपी कैसे निकालोगे? 25% ऑफ कॉस्ट है ना ये, तो ये क्या हो गया? 1/4 ऑफ कॉस्ट। आंसर हमें क्या गिवन है? सेल्स छोटे से बड़े के पास जा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? 1/5 ऑफ सेल्स। तो जीपी क्या आ गया हमारा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय भाई 6 लाख। तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा ना? 1.2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा जीपी? 1.2 लाख। तो भाई जीपी आ गया हमारा 1.2 लाख। तो जीपी में हमने लिख दिया 1.2 लाख, सेल्स हमारे पास है 6 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीपी रेशियो कितनी आ गई हमारी? 20%। सिंपल, कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, तो कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स कितने गिवन है आपको भाई? टोटल सेल्स के 25%। परचेजेस आपको गिवन है, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी 50%। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है, ओपनिंग स्टॉक से कितना बड़ा है? 50,000 सर बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल सेल्स, कैश सेल्स कितने गिवन है? टोटल सेल्स का 25%, परचेजेस आपको गिवन है, और क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है। तो भाई अगर मैं टोटल सेल्स को एक्स ले लूं, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी? 25% ऑफ एक्स, मतलब 0.25x हो जाएगी, है ना। और भाई टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स कितना गिवन है हमें? टोटल सेल्स गिवन है क्या? नहीं, क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है। तो टोटल सेल्स हमने एक्स लिया, कैश सेल्स में कितना लिखा? 0.25x, क्रेडिट सेल्स हमें 6 लाख की गिवन है। क्या यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी? बेटा ये यहाँ पे जाके क्या कर देगा? माइनस। तो 0.75x इज इक्वल्स टू 6 लाख,
एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75। भाई सीधी सी बात है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये कितने आ गए ना 8 लाख। कितना आ गया 8 लाख। तो टोटल सेल्स आपकी कितनी है 8 लाख, उसमें से 6 लाख आपकी क्या है, 6 लाख क्या है क्रेडिट सेल्स, और 2 लाख आपकी क्या आ जाएगी कैश सेल्स आ जाएगी। ठीक है, हमने तो टोटल सेल्स निकाल ली ना, हमें तो फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, टोटल सेल्स तो 8 लाख रुपए वो हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जीपी निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए ना, तो जीपी के बारे में पता कि कितना परसेंट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीओजीएस निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे परचेज का डेटा गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का डेटा गिवन है। अब ध्यान से देखना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 रुपए। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले में देखें हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन बताओ ना कौन सी रेशियो बढ़ी है, मतलब कौन सा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है। तो अब एक बात बताओ ना, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में क्या माइनस में? माइनस में आंसर आएगा। तो क्या मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को बोल सकता हूँ -50,000? भाई ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 50,000 का डिफरेंस है ना। लेकिन डिफरेंस बोले तो क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग -50,000 का डिफरेंस आएगा। ये बात समझे नहीं समझे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बड़ा है क्लोजिंग स्टॉक छोटा है, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करूंगा तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -50,000। तो अगर मैं सीओजीएस निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैंने क्या लिख दिया, -50,000। परचेजेस मुझे कितने गिवन है, परचेजेस मुझे गिवन है 6.9 लाख की, 6.9 लाख के परचेजेस गिवन है। और क्या मुझे वो गिवन है, क्या क्या कहते हैं आपका, और तो कुछ नहीं गिवन। तो ये कितना आ जाएगा हमारा सीओजीएस, कितना आ गया हमारा 6.4 लाख रुपीज आ गया हमारा। और बेटा सेल्स कितनी गिवन है हमारी, सेल्स 8 लाख की सेल्स हमें गिवन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, 1.6 लाख का हमारा क्या आ गया, जीपी आ गया। तो देखो फटाफट से यहाँ पे हमने जीपी कितना लिख दिया, हमने 1.6 लाख का हमने जीपी लिख दिया। और फॉर्मूला क्या था, जीपी अपॉन में सेल्स इनटू में 100, तो 20% हमारा आंसर आ गया। तो बस छोटी सी एक ट्रिक थी जो हमें लगानी थी, ये एक्सपेक्स में ना फंस के अगर आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग स्टॉक से, तो आंसर में सीधा हमने क्या लिख दिया, -50,000 लिख दिया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह। ठीक है, चलो आगे, अभी वाला क्वेश्चन आप करो जल्दी से, ट्राई करो ट्राई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेटा सेल्स गिवन है आपको, कैश सेल्स गिवन है 25,000 रुपये, टोटल परचेजेस आपको गिवन है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज, कैरिज इनवर्ड्स गिवन है, सैलरीज गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 रुपीज का, रिटर्न आउटवर्ड्स वेजेस गिवन है आपको, और रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स कितनी गिवन है ना, कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल 1:3। मतलब अगर 1 रुपए की कैश सेल्स है तो 3 रुपए की क्या है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स अगर 1 रुपीज की है तो क्रेडिट सेल्स कितने की है, 3 रुपीज की। तो अगर कैश सेल्स को अगर आप एक्स ले लेते हो तो क्रेडिट सेल्स आपकी क्या है ना, 3x है। चलो एक बार थोड़ा सा कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, देखो मैं करवा तो हो नहीं पाएगा, IMP इसको मार्क कर लेना 90 को। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको कैश सेल्स गिवन है, आपको परचेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड्स गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंटरी गिवन है। सबसे पहले तो इससे क्या निकाल सकते हो ना आप, सीओजीएस निकाल सकते हो। सीओजीएस आप निकाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज इन इन्वेंटरी हो गया ना, तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी मतलब इन्वेंटरी कम हो गई। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये चीज ज्यादा थी और इन्वेंटरी कम हो गई 10,000 रुपए से, तो ये क्या हो गया, +10,000 आ गया। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखोगे, +10,000, क्योंकि आपकी इन्वेंटरी कम हुई है। तो ओपनिंग में ज्यादा थी, क्लोजिंग में कम हो गई। अब ओपनिंग वाला बड़ा है, क्लोजिंग वाला छोटा है, तो माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा ना, पॉजिटिव में आएगा। तो +10,000 अब आपको लेना है इसके अंदर। तो आ जाओ फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। सीओजीएस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, परचेजेस, क्या आपको परचेजेस गिवन है, यस परचेज आपको गिवन है, ये रही आपकी परचेजेस 15,000 प्लस 60,000, 15 प्लस 60,000 कितना आ गया 75,000। ठीक है, और आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड्स 2,000 भाई
2000 है ना, माइनस करेंगे ना रिटर्न आउटवर्ड्स, तो माइनस कर दे 75 माइनस 2 क्योंकि नेट परचेजेस आपको लेनी है, तो 73,000। तो बेटा परचेजेस आपने लिख लिया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को आप प्लस करोगे, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह आपने क्या लिख दिया, 10,000 लिख दिया पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि इन्वेंट्री कम हो रही है, ओपनिंग वाली ज्यादा है, क्लोजिंग वाली कम है। अब बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना लिखोगे, आपको वेजेस गिवन है 5,000 रुपीज के है ना, और आपको ये कैरिज इनवर्ड्स गिवन है, आपको परचेज सामान को लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने पे करा, कैरिज इनवर्ड्स 2,000 रुपए और वेजेस आपकी 5,000 रुपए, तो कितना आ गया आपका 7,000 रुपीज। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, COGS निकल गया, तो COGS का ओपनिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ परचेजेस कितना आ गया अपना 90,000 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये निकल गया तो और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्या गिवन है, COGS आपके हाथ में आ गया, COGS कितना आ गया आपके पास 90,000 रुपीज का COGS। अब आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है क्या क्वेश्चन में, बेटा कैश सेल्स अगर आपको गिवन है 25,000 की, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, देखो ध्यान से, अगर कैश सेल्स x है तो क्रेडिट सेल्स कितना है 3x, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 25,000 तो कितना हो जाएगा 75,000 बेटा। हाँ, तो कैश सेल्स अगर x है तो क्रेडिट सेल्स 75,000, टोटल सेल्स कितनी होगी 1,00,000। ठीक है, सेल्स में से प्रॉफिट इसको माइनस करोगे, कॉस्ट को माइनस करोगे, तो जीपी कितना आ जाएगा 10,000, 1,00,000 की सेल्स में से माइनस कर दिया आपने 90,000, तो आपका कितना आ गया, कितना आ गया जी 10,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब जीपी बहुत इजीली निकल गई, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10%। तो मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले आपको COGS पे वर्क करना था, फिर आपके पास कैश सेल्स गिवन थी, नीचे रेशियो बता दी थी 1:3 की रेशियो, तो अगर 1 रुपीज की आपकी कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स आ रही थी 3 रुपीज, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपने क्रेडिट सेल्स निकाल ली, टोटल सेल्स आपके पास अभी जीपी माइनस कर उसमें माइनस कर दिया, तो आपके पास कॉस्ट माइनस करती सेल्स में से जीपी आ गया आपके पास, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा 5,00,000 रुपीज की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,00,000 रुपीज की, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला गिवन है 8 times, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट से 25% ज्यादा है, तो जीपी कितना है ना 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में तो जीपी को प्लस करते हो। अब एक बार बताओ ध्यान से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको गिवन है 8 times, ध्यान से देखना, छोटी छोटी ट्रिक्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था आपका, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, बेटा ITR आपको कितनी गिवन है 8, COGS ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना 5,00,000 रुपीज का और 3,00,000 रुपीज का, तो 5 + 3, 5,00,000 + 3,00,000 डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या मैं 4,00,000 लिख दूं सीधा, है ना, काट के कितना हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 4,00,000, 4,00,000 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो COGS कितना आ गया 32,00,000, 32 लाख रुपीज आपका आंसर आ गया क्या COGS। अब बेटा COGS आपके पास आ गया और आपको ये जीपी गिवन है, जीपी इज इक्वल्स टू 25% अबव कॉस्ट, जीपी इज इक्वल्स टू 25% अबव कॉस्ट। अब ध्यान से देखना अबव कॉस्ट का मतलब क्या लिखा हुआ, एक लिखा होता है जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट, और ये लिखा हुआ है 25% अबव कॉस्ट, क्या दोनों में डिफरेंस होगा, नहीं होगा। पहले क्या गिवन होता था, जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट, और ये क्या गिवन है, जीपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ऊपर हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। तो बेटा एक बात बताओ ना, कॉस्ट से 25% ऊपर हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, आपकी कॉस्ट कितनी है, और इसमें अगर 25% अगर प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेल्स आ जाएगी आपकी, सेलिंग सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है, तो बेटा 32,00,000 में प्लस कर दोगे 25% ऑफ 32,00,000 ना, तो 32,00,000 का 25% कितना हो जाएगा 8,00,000 रुपए, कितना हो जाएगा 8,00,000 रुपए, तो 32,00,000 प्लस 8,00,000 रुपए कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40,00,000, तो 40,00,000 की मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, तो 40,00,000 की आपकी सेल्स हो गई, जीपी आपका कितना आ जाएगा ना, जीपी कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है बेटा, 32 की आपकी कॉस्ट थी, 40 की आपकी सेल्स थी, तो जीपी कितना है आपका 8,00,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे कितना आ गया
20% आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखो, वर्डिंग के ऊपर फोकस करा करो, क्या लिखा है, सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ठीक है। चलो तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जीपी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट आपकी कितनी आई थी 32 लाख, उसको सॉल्व कर दोगे 32 लाख तो कितना आ जाएगा 8 लाख, जीपी आपके पास कितना आ गया 8 लाख आ गया, और सेल्स क्या हो जाएगा 32 + 8 40 लाख आ गया, कैसे भी समझ जाओ। चलो अभी वाला क्वेश्चन करके देखो, अ ट्रेडर कैरीज अ एवरेज इन्वेंट्री ऑफ, एक ट्रेडर के पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है भाई 2 लाख रुपीज की, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, बेटा एवरेज तुम्हें स्टॉक दे दिया और तुम्हें 8 टाइम्स दे दिया, इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा COGS आ जाएगा ITR के फॉर्मूला से, हाँ he sells a good at a profit of 25% on cost, तो GP आपको given है ना, GP आपको given है, तो cost में GP plus करके क्या निकाल लोगे, sales calculate GP ratio, चलो एक question तो कर लो जल्दी, inventory turnover COGS 92 question number कर रहे हैं, COGS upon में average inventory, तो inventory turnover ratio कितना given है 8 times हमें given है, अभी same ऐसा question करवाया, COGS हमें given है, एवरेज इन्वेंट्री कितना, नहीं COGS नहीं गिवन, एवरेज इन्वेंट्री हमें 2 लाख का गिवन है, तो COGS कितना आ जाएगा 16 लाख, अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें 32 लाख आ रहा था, हाँ तो बेटा COGS गिवन है तेको 16 लाख रुपए, और ये क्या गिवन है तेको, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो GP कितना है, GP इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट है ना, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कितना गिवन है 1/4 16 लाख, तो कितना आ गया 4 लाख आ गया ना जीपी, जीपी कितना आ गया आपका 4 लाख आ गया, तो इसके अंदर कॉस्ट के अंदर प्लस करेगा जीपी जो कि है 4 लाख, तो सेल्स कितनी आ जाएगी 20 लाख, सर यहाँ तक तो हो गया, तो बस तो फिर हो तो गया क्वेश्चन, फिर जीपी आ गया तेरा 4 लाख, सेल्स आ गया तेरा 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो कितना आ गया 20%, ये तो बहुत सिंपल था, जीपी कहाँ से 4 लाख आ गया, अच्छा पच्चा, अच्छा हुआ, निकाला नहीं है 16 में प्लस करा है 4 लाख, उसका 25%। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो नेक्स्ट वाला जल्दी, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ से तो आपने क्या निकाल लिया होगा ना, COGS निकाल लिया होगा आपने, यहाँ से COGS कितना निकाल लिया आपने 12.8 लाख का आपने COGS निकाला, अब क्वेश्चन एक कदम आगे जाता है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का 6 टाइम आपको गिवन है, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगी फॉर्मूले से, क्या निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो बेटा यहां से आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, क्या जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स आएगी नहीं आएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही फॉर्मूला होता है, क्या आपको ट्रेड रिसीवेबल 6 टाइम्स गिवन है, आंसर 6 टाइम्स, आपने क्या लिखा है यहाँ पे 6 टाइम्स, और ऊपर क्या है क्रेडिट सेल्स, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आपको गिवन है 2 लाख रुपीज का, यस तो 2 लाख का ये हमें गिवन है, तो बेटा क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 12 लाख रुपीज की आ गई, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कैश सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स, मतलब जो कैश सेल्स है वो 25% है टोटल सेल्स की, तो बेटा जो क्रेडिट सेल्स है वो कितने परसेंट होगी टोटल सेल्स की, 75% होगी ना, ये टोटल सेल्स का कितना होगी 75%, तो 100% सेल्स क्या होगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर ये 75 है तो बताओ 100% कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, तो बेटा कितना आ रही है 16 लाख, ये आ गई आपकी क्या टोटल सेल्स, बेटा ये जो 12 लाख रुपए है ना ये किसके बराबर है ना 75% के बराबर है ना, तो 12 लाख इज इक्वल्स टू 75% अगर आप लिखते हो तो बेटा ये 100 यहाँ पे जाके क्या होता है मल्टीप्लाई और ये 75 डिवाइड, तो यही तो करा मैंने, यहाँ से टोटल सेल्स कितनी आ गई आप लोगों की 16 लाख की आ गई, चलो
आवाज नहीं आ रही आपकी। COGS आप लोगों ने निकाली थी इसमें 12.8 लाख की COGS निकाली थी, टोटल सेल्स आपने कितने की निकाली 16 लाख की। तो COGS में से टोटल सेल्स को माइनस कर दोगे, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो 12.8 लाख 16 लाख माइनस 12.8 लाख 3.2 लाख आपका क्या आ जाएगा जीपी आ जाएगा है ना। ओ सॉरी सीओ ये आ जाएगा, हाँ जीपी आ जाएगा आपका सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके। चलो तो इसके साथ हमारी जीपी रेशियो तो खत्म होती है ना। स्टॉप।